और कितने अल्ताफ। नमस्कार, आज मुद्दा आपका, मुद्दा आपका सीधे तौर पर उस मसले को लेकर जो आज सवाल खड़े कर रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, क्योंकि लखीमपुर कांड के 40 दिन बाद, लगभग 40 दिन के बाद कासगंज का कांड सामने आया है। थाने में अल्ताफ की जान कैसे चली गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभर रहा है। यूपी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। जी, तुलसीदास की जन्मस्थली, कल्याण सिंह की कर्मभूमि और कासगंज एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार वजह है पुलिस कस्टडी में अल्ताफ नाम के युवक की मौत। इस मामले ने पूरे राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की कहानी ने इस मामले को एक अलग ही रंग दे दिया। पुलिस का तर्क किसी के गले नहीं उतरा। पुलिस का तर्क क्या है? पुलिस तर्क दे रही है कि अल्ताफ ने जैकेट की टोपी में लगी डोरी से फंदा बनाया। ध्यान से सुनिएगा, जैकेट की टोपी से जो डोरी लगी होती है उससे फंदा बनाया और बाथरूम के नल से खुद को बांधा और फांसी लगा ली। लेकिन लोगों को पुलिस की यह कहानी समझ में नहीं आ रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि युवक का कद 5 फुट 6 इंच था। 5 फीट 6 इंच का आदमी 2.5 फीट ऊंचे नल से कैसे लटक सकता है? 2.5 फीट हाइट तो फिर 1.5 फीट होनी चाहिए, और 5 फीट 6 इंच का आदमी क्या जमीन पर लेटकर खुद को फांसी लगा लेगा? वो नल से कैसे लटक सकता है? और सवाल यह भी कि क्या वो नल उसका भार सहन कर लेगा जो प्लास्टिक का था, बताया जाए। और सवाल यह भी कि क्या जैकेट की डोरी अल्ताफ का वजन बर्दाश्त कर लेगी, जिस जैकेट की डोरी से खुद को फांसी लगाने की बात सामने आ रही है। सियासी तूफान बड़ा होने से पहले ही 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की बात सामने आई और अब उनके निलंबन की खबर आ रही है। लेकिन पुलिस सवालों के घेरे में। दरअसल अल्ताफ का हम जिक्र करें आज हमारे साथ मसले पर तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन यह विवाद शुरू कहां से हुआ अब वो भी समझिए। अल्ताफ टाइल्स लगाने का काम करता था और इन दिनों वो एक घर में टाइल्स लगा रहा था। इसी दौरान उस घर की एक नाबालिग लड़की लापता हो गई। लड़की के परिवार वालों ने शक जताया कि अल्ताफ ने लड़की को भगा लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा जैसे पहुंचता है। अब अल्ताफ के पिता चांद मियां ने कहा है कि बेटे से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वो पुलिस को खुद अपने बेटे को सौंप कर आ गए कि उनका बेटा गलत कर ही नहीं सकता, इस उम्मीद के साथ कि वो वापिस आएगा, पूछताछ होगी। लेकिन अगले दिन बेटे की मौत की खबर आ गई। पुलिस ने घर वालों को बता दिया कि अल्ताफ ने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस कहती है कि अल्ताफ ने वॉशरूम जाने के लिए कहा था, उसे रास्ता बता दिया गया। समझिए, जिसके ऊपर आरोप है वो कह रहा है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूं, पुलिस कह रही है कि वॉशरूम दूर है। जब कुछ देर तक वो वापस नहीं लौटा तो पुलिस के मुताबिक उन्होंने जाकर देखा, अल्ताफ ने जैकेट की टोपी पर डोरी बनाकर फंदा बनाया था और नल के पाइप से फांसी लगा ली थी, जैसे कि पुलिस कह रही है। उसकी सांसें चल रही थी, आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
सुनी हुई स्टोरी लगती है। इसी तरह की स्क्रिप्ट कई मामलों में सामने आई कि अस्पताल लेकर गए और फिर उसके बाद दम तोड़। दरअसल पुलिस की थ्योरी पर इसलिए यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पुलिस जो थ्योरी दे रही है उसमें कई पेच है। उन पेच का भी आज हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार ये थ्योरी क्या उनके गले उतरती है। और सिर्फ मैं इस थ्योरी का जिक्र नहीं करूंगा, मैं कुछ आंकड़े लेकर बैठा हूं और कुछ ऐसे तथ्य जो आज समूचे सिस्टम पर, पूरे देश के समूचे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं, पुलिसिया तंत्र पर सवाल खड़े करते हैं, हमारी सोच पर सवाल खड़े करते हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि मसला सिर्फ और सिर्फ एक अल्ताफ का नहीं है, मसला तो उन अल्ताफ का भी है जो आंकड़ों में दर्ज हो गए फाइल बनकर और एक दिन की खबर रहे, सिर्फ एक दिन की खबर। पहले कुछ बयान सुनिए और फिर उसके बाद आज ये बड़ा मुद्दा उठाएंगे इसी मंच से, वो सवाल जो पूछे नहीं जा रहे। पहले ये बयान सुनिए। देखिए, पिछली सरकारों में जिस प्रकार से भर्तियां की गई हैं, जिस तरह से मालकों को ताक पर रखा गया है, भाई भतीजावाद के आधार पर, सिफारस के आधार पर, पैसों के आधार पर पूरा वर्क जो वर्क क्लास है उसको खराब करने का काम किया गया है। और इसी कारण से कई बार इस तरह की खामियां निकल के आती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से सबसे ज़्यादा आज ऐसे लापरवाह दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का काम हुआ है। हम किसी तरह की शिथिलता लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी कर्तव्य में उपेक्षा या उदासीनता बरतेगा तो कठोरता से कार्रवाई। बिल्कुल, जो वीडियो बात की आ रही है, पिता का बयान देखिए कि पुलिस ने उनसे अंगूठा लगवा लिया गया, किसी लिखित कागजात पर उनसे अंगूठा लगवा लिया गया। तो ये समान हत्या, समान मौत नहीं लग रही है, पूरी तरीके से हत्या का मामला है। और इससे पहले भी अगर आप यूपी पुलिस के आंकड़े देखिए तो 1318 मौतें पुलिस कस्टडी में हुई हैं। तो ये बयान कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो है व्यवस्थित करने में नाकाम साबित हो रही है। तो मैं कासगंज की घटना पर कठोर निंदा करता हूँ और जो मुझे जानकारी हो रही है, एक फोटो वायरल हो रहा है कासगंज का, उस अल्ताफ नाम के युवक 21 वर्षीय लड़के का, ये आप देख रहे हैं, इतनी नीची टंकी से लटक कर और जिसका पूरा जिस्म फर्श से टिका है, तो ये कैसे आत्महत्या हो सकती है? स्थानीय पुलिस द्वारा अल्ताफ को पकड़कर थाने लाया गया और उसके साथ आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान 9 तारीख को दिन में करीब 2:30 बजे उक्त अल्ताफ द्वारा थाने के हवालात में ही अपने हुडी के जो नाड़ा होता है उससे गले में फांसी लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस उसको हॉस्पिटल में ले गई, जहां करीब 10-15 मिनट वो जीवित रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। नहीं देखो, ये तो छोटा से नाबालिग बच्चा भी जान सकता है कि टोटे जो है 3 फीट की टोटी होती है, और कोई बच्चा जो 22 साल का बच्चा है, कम का 5 फीट तो हो गई। बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये बनावटी बात है और इस पर कप्तान को सस्पेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हो कि पुरानी सरकार के द्वारा हो रहा है, तो पुरानी सरकार आने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, कासगंज में पुलिस कस्टडी में हुई अल्ताफ की मौत नहीं है, एक हत्या है। आपने देखा कि वहाँ के कप्तान किस प्रकार से बता रहे हैं कि 2 फीट के ऊंचाई पर टूटी से उसने अपने गले को बांध कर खुद की आत्महत्या कर ली। निश्चित ही यह संदेह के घेरे में है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस, बाबा जी की जो पुलिस है, ऐसे ही क्रियाकलापों से संदेह के घेरे में आती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि जो मृतक है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिया जाए। निश्चित ही यह संदेह के घेरे में आने वाली बात है। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और इसके साथ साथ प्रशासन की अपनी एक अलग थ्योरी। इस तमाम मुद्दे पर आज हमारे साथ जो पैनल में शामिल हो रहे हैं, मैं आपको उनसे रूबरू करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त संदीप द्विवेदी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी का युवा चेहरा है, जो अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त अभिषेक वाजपेयी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है, कांग्रेस के पार्टी के युवा चेहरों में से एक है। अनिल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एडवोकेट हैं, वकील हैं, जाने माने चेहरों में से एक हैं। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ ओपी सागर ज्वाइन करेंगे, जो कि पूर्व आईपीएस हैं, साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा भी जुड़ेंगे। लेकिन
इस चर्चा की शुरुआत मैं संदीप जी आपके साथ करना चाहूंगा। पहला सवाल इसी थ्योरी से जुड़ा हुआ, आपने भी सुना होगा जो थ्योरी दी गई है, सुना है आपने जी, डोरी से 2 फीट का नल और लड़के ने सुसाइड कर लिया। आपके गले उतरी थी ये थ्योरी? नहीं, देखिए इसमें गले उतरने या ना उतरने वाली कोई बात नहीं है, ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं प्रशासन ने जिस सक्रियता से इस केस में कार्रवाई की है, जिस तरीके से लोकल, अच्छा ये सक्रियता है, देखिए मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस केस में जो भी दोषी हैं, अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा दी जाए, और अगर कुछ ऐसी घटना है जिस तरीके से अल्ताफ के पिताजी के बयान थे, तो मुझे लगता है कि इन दोनों पक्षों को हमें देखना पड़ेगा और इसके बाद ही कहीं ना कहीं जो इंक्वायरी है। ये थ्योरी आपके गले उतरती है, मैं तो वो दिखा रहा हूँ, देखिए ये नल देखिए 2 फीट का है, 2 फीट का नल और उस पर कोई सुसाइड कर ले और वो भी जैकेट की डोरी लगाकर, आपको हैरानी नहीं हुई? देखिए मुझे मैं स्पष्ट तौर पर आपको एक चीज बता दूं, क्राइम व्यवस्था कभी थ्योरी पे नहीं चलती है, सबूत पे चलती है और साक्ष्य पे चलती है। कोर्ट कभी किसी थ्योरी पर निर्णय नहीं देता, क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है और क्या घटनाक्रम हुआ उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं। अच्छा, तो मतलब आप पुलिस की थ्योरी पर यकीन करते हैं? देखिए मैं ना तो पुलिस की थ्योरी पे यकीन कर रहा हूं और ना ही जो बार बार बदल के बयान दिए जा रहे हैं उन पे यकीन कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें सरकार की व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए और जिस नहीं, सरकार की व्यवस्था पर तो विश्वास करें लेकिन आपकी पुलिस पर यकीन कैसे हो? नहीं देखिए ये मैं तो आंकड़े अभी बताऊंगा। देखिए ये वही पुलिस है जिस पुलिस के राज में अखिलेश जी जब सीएम थे तो आप शाम को 8 बजे घर से नहीं निकलते थे, और आज इसी पुलिस के दौरान आज रात में 2 बजे भी आप घर से निकल जाते हैं। अच्छा, तो एक दो अगर पुलिस वाले कुछ गलत है तो उसके मतलब आपने ये नहीं कि आप पूरे महकमे को दोषी ठहरा दें। अगर इसमें कोई गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और अगर ये नेचुरल घटना है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई। 3 साल में अभिषेक वाजपेयी जी, 3 साल में 23 अंडर कस्टडी मौत हुई है जी, संदीप द्विवेदी जी जी, और आप कह रहे हैं कि ये तमका आपके लिए? नहीं देखिए, अगर 3 साल में 23 अंडर कस्टडी मौत हो गई तो नहीं देखिए, ये तमका आपके लिए? नहीं तो क्या अल्ताफ के पिताजी जो बयान दे रहे हैं क्या उन पे बात ना की जाएगी? अगर पुलिस की थ्योरी मैंने मान ली 100% गलत है, क्या अल्ताफ के पिताजी जो बार बार बयान बदल रहे हैं क्या उनकी भी अलग अलग थ्योरियां चल रही हैं? यहाँ कितनी स्टोरी में थ्योरियां चल रही हैं? चिंतन का विषय है, केवल पुलिस को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाए? अल्ताफ के पिताजी को क्यों कटघरे में खड़ा ना किया जाए बताइए, क्यों वो बार बार बयान बदल रहे हैं? मतलब पूरा आज पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है, उन्हें पता बेटा जिसका बेटा मर गया उसके जनाजा उठा रहा है पिता, आप कह रहे हैं कि उसके पिता को कटघरे में खड़ा करें? उसको बार बार बयान बदलने का मौका मिल जाएगा, उसको शर्म नहीं आई कि अपने बेटे की मृत्यु पे वो बार बार बयान बदल रहा है? क्यों वो सत्य नहीं बोल रहा है, क्यों सच्चाई से भाग रहा है? अभिषेक वाजपेयी क्या ये मजाक है? अगर वो लटका भी, मैं मान गया चलिए वो नलका जो था वो 2 फीट वाला नलका प्लास्टिक का नलका, वो लटका भी तो वो लटका कैसे होगा? जमीन पर लेटकर उसने आत्महत्या कर ली। अभिषेक वाजपेयी सुना आपने, संदीप द्विवेदी कह रहे हैं कि पिता को भी शर्म आनी चाहिए कि वो बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं। देखिए अभिषेक वाजपेयी प्लीज, तिलक भाई ये बिल्कुल बोल सकते हैं, तिलक भाई ये बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि मामला चोरी चोरी से बंधे एक डोरी से है। आप समझ सकते हैं कि ये वही पुलिस है जो कभी भी किसी को भी, किसी पत्रकार भाई के ऊपर भी हाथ उठा सकती है, किसी को भी कुछ भी कह सकती है। और जहां तक कि पुलिस का बात है, अगर आप देखिए इसी तरीके से गोरखपुर की जब घटना थी तो उसमें कैसे पुलिस वाले ने व्यापारी बंधु को मारा था, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की थी लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। वो घटना भी कोई नई नहीं थी पुलिस के लिए, उसमें भी इन लोगों ने काफी सारे बात बचाव करने की कोशिश की थी। और जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उस माँ के लाल से पूछिए, उस पिता के दर्द, उस पिता का दर्द समझने की कोशिश कीजिए आप, जिसने अपने बेटे को खो दिया, अपनी पूरी खो दी, और उसके बाद आप बैठ करके इस तरीके से ऑन एयर इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। आप उस पुलिस को बचाना चाहते हैं जो अपराधी है? कोई भी, आप कहते हैं तिलक भाई आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी अपराधी अगर दोष सिद्ध ना हो तो वो अपराधी नहीं कहलाता, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अगर उसको कस्टडी में रखते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेबल वॉशरूम तक जाता है बाकायदा कि कहीं वो भाग ना जाए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कहिएगा, और वॉशरूम के पास वो बाहर खड़ा रहता है। तो
पहली चीज तो आप इससे समझ सकते हैं कि कोई कांस्टेबल वॉशरूम तक गया नहीं और उसके ऊपर गैर जिम्मेदारा तरीके से ये बताना कि वो अकेले इसको भेजा गया था। कल को अगर कोई अपराधी होता वो वहां से भाग जाता। ओके रिस्पॉन्स करना चाह रहे संदीप तिवारी जल्दी से, फिर मैं आदिल बख्शी जी आपके पास। देखिए स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि आपने पुलिस को दोषी ठहरा दिया और उसके बारे में कह रहे हैं कि वो आरोपी था। नहीं देखिए आप अपने बयानों पर ही पहले कायम रखिए, दूसरी चीज मैं फिर वही चीज कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई दोषी है, देखिए जब तक उस पर निर्णय नहीं आ जाता आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि पुलिस की भी थ्योरी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन विश्वास इस बात पर भी नहीं किया जा सकता कि उसकी हत्या हुई है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए इंक्वायरी होने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, वरना ये राजनीतिक दल जो लाशों को देख के गिद्धों की तरह बाहर निकल आते हैं, इनका जब एक दलित नहीं एक दलित का जब किसान आंदोलन में हाथ काटकर उसको लटका दिया जाता है वो तड़प तड़प के मरता है, तब आपको चिंता नहीं होती उसकी? नहीं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता? राजस्थान में एक व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जाता है, दलित व्यक्ति को, तब प्रियंका गांधी को जाने की फुर्सत नहीं मिलती? अरे शर्म करिए, कब तक राजनीतिक रोटियों के लिए इतना करते रहेंगे? अरे करिए आप बात, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजस्थान जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाती प्रियंका गांधी? पंजाब जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाती प्रियंका गांधी? कब तक इस तरीके से गिद्धों की तरह गिरी हुई राजनीति करते रहेंगे आप लोग? क्या गिद्धों की राजनीति हो रही है अभिषेक वाजपेयी जी? ये आरोप इसलिए लग रहा है, ये वो लोग हैं। नहीं नहीं मनीष, पंजाब कब चलेंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? राजस्थान कब जाएंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? या सिर्फ यूपी में ही राजनीति चलते रहेंगे? ये वही लोग हैं जो किसान भाइयों ये वही लोग हैं जो किसानों के बीच में एक व्यक्ति की खुलेआम हत्या कर दी जाती है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है? ये वही लोग हैं कि राजस्थान में दलितों की पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, ये 10 जनपद में छिपके बैठ जाते हैं? अरे हिम्मत है, यूपी में निकलते हैं राजनीतिक पिकनिक के लिए तो राजस्थान भी बता के देखिए आप। आपराधिक धाराओं में तो आपके जीजा भी जी भी लिप्त है, नहीं तो क्या उनका क्या क्या प्रियंका जी का करियर आप खत्म कर देंगे? व्यक्तिगत नहीं तो अगर जिनके ऊपर आरोप लगाए तो उनको जेल में डाल देते ना संदीप द्विवेदी? अब तक देखिए जिनको आपने कहा जमीनें हड़प ली, मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, एक सेकंड आप व्यक्तिगत कांग्रेस के मसले पर देखिए जेल में डालना या न डालना एक कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट अगर निर्णय लेगा तो जेल भी जाएंगे और गए भी हैं। क्या गलती प्रजापति को सजा नहीं हुई? एक जो दोषी होगा उसको सजा होगी? नहीं नहीं अनिल राज नहीं है जो छोड़ दिया जाएगा, नहीं नहीं जो कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा अपराधियों को? एक सेकंड अनिल बख्शी जी, ये तो सियासी तूतू मैं तो चलती रहेगी, लेकिन जो थ्योरी पुलिस दे रही है, आपने भी कई ऐसे मामले देखे होंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस थ्योरी पर यकीन करते हैं जो थ्योरी दी जा रही है? 2 फीट का पाइप मैं दिखा रहा हूं, इस पाइप के नीचे एक शख्स अपनी मौत के लिए अपनी फीता बांधता है, गले की रस्सी बांधता है और खुद को सुसाइड गले में रस्सी बांधने के बाद मौत के हवाले कर देता है खुद को, आपको यकीन होता है? अनिल बख्शी जी, अनिल बख्शी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ जी। अनिल बख्शी जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, थ्योरी पर यकीन होता है आपको? मेरी आवाज आ रही जी? आपको आवाज आ रही जी? अनिल बख्शी जी अपनी बात रखिए। आपको आवाज आ रही मेरी? जी अनिल बख्शी जी प्लीज अपनी बात रखिए। अनिल बख्शी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन दो महत्वपूर्ण बयान। हम तो हर बात पे यकीन करते हैं। जी 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 अनिल बख्शी जी अपनी बात, आपका ऑडियो आ गया प्लीज। चारों ने सर 1958 में पेड़ से बात के तोड़ रहे थे, तभी तकीर किया था जब सुंदर दुजारा वाले को आवाज आती। अनिल बख्शी जी मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दो बयान मैं पीसीआर प्लीज, दो बयान जो हमारे पास हैं, दो महत्वपूर्ण बयान, वो बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और संदीप द्विवेदी मैं आपको वो बयान सुनाता हूँ। जरा ये दो बयान, एक तरफ एक पिता है जो इस पूरे मसले को लेकर अपनी बात रख रहा है, और एक वो शख्स जो इस पूरे मसले पर एक अपनी थ्योरी देते हैं जो पुलिस की थ्योरी है, प्लीज प्ले करिए। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है, मैंने खुद अपने घर में से कल 8 बजे इस मामले में पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले मेरी लड़की के ये कह रहे थे कि ये शक है हमें,
पुलिस अपने अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद दिया, खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीच जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है, वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने बात? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाएंगे। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। कौन किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरी के चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 363-366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सनाब चाहत मिया है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिस कर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोक नगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो जो पुलिस कर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिस कर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। ये कल के 2 महत्वपूर्ण बयान जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त AK मिश्रा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। AK मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। AK मिश्रा जी, आज हम बात उत्तर प्रदेश में उस पुलिस का जिक्र कर रहे हैं जिसकी एक गजब थ्योरी आई है, अजब गजब थ्योरी। 5 फीट 6 इंच हाइट लड़के की पुलिस कस्टडी में, जिसकी मौत हो गई, जिसे कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, और नल की लंबाई जो है वो लगभग 2 से 2.5 फीट है। इस थ्योरी पर यकीन होता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे की मौत हुई है उसके लिए दुख है, उसके परिवार के तरफ मेरी तरफ से बहुत संवेदना है। मृत्यु कभी भी किसी की नहीं होनी चाहिए, अब बिना समय के जो है लोग अपनी भरपूर उम्र जिए। ये थ्योरी जो आप बता रहे हैं, डेफिनेटली इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं और बहुत सारे मीडिया वाले क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसमें जो चीज आप जानना चाहते हैं वो चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इतने बड़े प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जो नहीं होने चाहिए। 100% शासन प्रशासन सक्षम अभी नहीं हुआ है। एक चीज का सुख है या संतोष है, ठीक ऐसे ही घटना एक गोरखपुर में हुई, वहां पे भी ये सारे सवाल उठे थे। वहां पे तुरंत एटलीस्ट मैंने ये देखा था कि सूबे का मुखिया, मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री वगैरह तो बोलते भी नहीं थे इन सब चीजों पे, फ्रंट पे आके उन्होंने अपना डिसीजन बताया और साफ शफाफ शब्दों में बोला कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देर है, अंधेर नहीं है, न्याय में इस केस में भी अगर किसी भी तरीके का षड्यंत्र कहीं नजर आता है तो मैं समझता हूं कि सरकार अगर अपने आप को जिम्मेदार मानती है जैसा कि वो दिखाती है तो इसपे भी टॉप लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक्शन होगा, ऑर्डर आएंगे, स्टेटमेंट आएगा। लेकिन घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने आसानी से इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता है। मैं ये मानता हूं और मांग करता हूं कि सरकार को डिफरेंट एंगल से 23 अंडर कस्टडी मौत हो जाए, पुलिस की अंडर कस्टडी में 23 साल में 23 अंडर कस्टडी मौत हो जाए, आप इसे जायज मानते हैं? मतलब नहीं, नहीं बात नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने आपको सबसे पहले ये बोला है कि किसी भी जीव मात्र के लिए अपने देश का नियम ये है कि वो अपनी भरपूर जिंदगी जिए, किसी भी तरीके से वो ना मरे। चाहे वो पुलिस कस्टडी की बात तो छोड़ दीजिए, वो और भी जो होता है, रोग होता है, व्याधि होता है, एक्सीडेंट, किसी भी जाति बिरादरी का कोई भी जीव हो वो क्यों मरे किसी एक्सीडेंट में? भगवान ने उसको भेजा है तो अपनी आयु जी करके मरे। लेकिन ये एक्सीडेंट है क्या? जायज नहीं मानता हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये एक्सीडेंट है क्या? मैंने कब बोला ये एक्सीडेंट है? एक्सीडेंटल डेथ का मतलब ये होता है असमय मृत्यु।
मेरे कहने का मतलब ये हुआ, मैं बिल्कुल जायज नहीं मानता हूँ सभ्य समाज में किसी भी तरीके की असमय मृत्यु को, सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद की जो बात है वो ये करना चाह रहे हैं। जल्दी से अभिषेक वाजपेयी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अभिषेक वाजपेयी इसी तरह का रिएक्शन तुरंत होना चाहिए। आपकी बात पे अभिषेक वाजपेयी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं अभिषेक वाजपेयी। तिलक भाई, मुझे मुझे लग रहा है कि मिश्रा जी योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं। एक एक बेटे की जान चली गई, एक पिता कितना दुखी है उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने की बजाय ये जीव मात्र की बात कर रहे हैं। जे आपको जानकारी होनी चाहिए मिश्रा जी, जिसकी उम्र जितनी लिखी है उतनी ही उम्र होगी उसकी। लेकिन यहाँ पे तो फिर बवाल किस चीज का, अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपने सिद्धांत को मान लीजिए, उसकी उम्र इतनी थी। अब आप अपने बातों में फंस गए हैं। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि एक लड़के की असमय मृत्यु हो गई, आप बोल रहे हैं उसकी उम्र इतनी थी। वाह, आप समाजवादी है कि कांग्रेसी है? उस लड़के की असमय मृत्यु, कांग्रेसी लोग ही ऐसे बेवकूफ भरे लॉजिक दे सकते हैं। बेवकूफी वाले लॉजिक केवल कांग्रेसी लोग दे सकते हैं। एक लड़के की असमय मृत्यु हो गई और आप बोल रहे हैं उसकी उम्र इतनी थी। वाह साहब वाह, कांग्रेस के जवाब देखिए, असमय मृत्यु हो गई और ये बोल रहे हैं कि उसकी उम्र उतनी लिखी थी। अरे मेरे 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 ऊपर आप अपने शब्दों को ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर राजनीति मत करिए सर। एक की असमय मृत्यु हो गई, मैं कामना कर रहा हूँ कि किसी की भी असमय मृत्यु ना हो, मेरी ये कामना है, इस देश की ये कामना है। और आप बोल रहे मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, उसकी उम्र ये लिखी थी? वाह जनाब, क्या राज आप करेंगे क्या? अरे आपने खुद प्लेबैक करिए, मैं एंकर से रिक्वेस्ट करूंगा जरा प्लेबैक के इनके कानों को सुनाइए। ये दिमाग के साथ साथ इनको कानों के डॉक्टर की भी जरूरत है। इन्होंने अभी, मैंने बचाने के लिए नहीं बोला, मैंने बिल्कुल नहीं बोला बचाने के लिए, मैंने बिल्कुल नहीं बचा। मैंने, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैंने हर उस आदमी के लिए बोला है कि कठोर से कठोर चीजें इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कब फेवर किया? आप तो बोले असमय मृत्यु हो गई, उसकी उम्र इतनी थी। क्या साहब कमाल के कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैंने क्या बोला, मैंने क्या एक्सेप्ट किया है? मैंने, आप अगर चावला जी जरा प्ले बैक करके इनको सुनवाइए मैंने क्या बोला है। एके मिश्रा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप जिस थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपके गले नहीं उतर रही, लेकिन दूसरी तरफ आप जिक्र कर रहे हैं जो बात, जो घटना गोरखपुर में घटी मनीष गुप्ता के मामले पर, लेकिन एक सिक्के का पहलू ये भी तो है कि लखनऊ में विवेक तिवारी, नहीं, जवाब के दो पार्ट हैं, आप उसको समझ लीजिए। मैं बिल्कुल मुद्दे पर हूँ। आप जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं यूपी पुलिस को, मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। नहीं, आप इस तरीके की घटना पर तुरंत कार्रवाई हुई, दिखाइए गुप्ता के मामले में कहा कि तुरंत कार्रवाई हुई। मैंने गोरखपुर का उदाहरण ये देते हुए कहा कि उस वक्त सूबे का सबसे बड़ा मुखिया आके उसने ऐलान किया कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये नहीं बोला, मुझे अपडेट भी नहीं है कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब एक घटना है और दूसरा प्रशासन है। प्रशासन में अगर मुख्यमंत्री आकर के उसको संज्ञान लेके बोलता है तो ये क्या बुरी चीज है? समाजवादी पार्टी, इसके पहले तो कोई बोलता ही नहीं था। केजरीवाल के सामने आत्महत्या कर ली थी, वो पेड़ पे झूल गया था, केजरीवाल सरकार ने उस तक नहीं किया, उनकी पूरी सभा जंतर मंतर पे चल रही थी, संवेदनहीन सरकारें थी इसके पहले। अरे मिश्रा जी, माननीय मिश्रा जी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। चुनाव में जब लाठी डंडा कट्टा बम बारूद चला तब तो आपने एक बार भी ना बोला। जब महिला का जी रहा होने वाला था तब आपने एक बार भी नहीं चिन्ह पाया। ये सपा सरकार की बातें बता रहे कि कांग्रेस सरकार की, जब लाठी डंडा और बम चलता था, लाठी डंडे और कट्टे चले। अरे साहब चुनाव तो छोड़ दीजिए, आप जरा लाठी चला करके देखिए, जहां बैठे हैं जरा लाठी भाज करके देखिए, पता चल जाएगा। आने दीजिए कमेंट, आने दीजिए। सुनिए मिश्रा, क्या क्या प्रतिक्रिया आई आपकी फेसबुक पर? एक सेकंड अभिषेक वाजपेयी, एक सेकंड। फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई ए के मिश्रा के लिए, आज एके मिश्रा की वाणी बिल्कुल भाजपाइयों जैसी है। अगर एके मिश्रा है तो कोई भाजपाई नहीं है, कि अगर नहीं, 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 सुन लीजिए,
जवाब ले लो कमेंट का चावला जी। जिन भाई साहब ने कमेंट दिया है उनको बड़ी विनम्रता से बोल दीजिए, पढ़े लिखे हैं, मेरी डेजिग्नेशन आपने क्या लिखी है? एक मिनट तो रुको, आपने क्या लिखी है? वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? एक सेकंड, बिना पढ़े उन्होंने कमेंट दे दिया। एक सेकंड, या तो वो निरक्षर है जिन भाई साहब ने ये कमेंट दिया है। मेरी डेजिग्नेशन आपने लिखी हुई है क्या है? सेफोलॉजिस्ट। आपने डिक्लेयर किया मैं पॉलिटिकल, कहीं भाजपा का लिखा हुआ है? भाजपा नेता, भाजपा प्रवक्ता, भाजपा समर्थक? नहीं, उनको लगा मिश्रा जी। नहीं नहीं नहीं, अरे उनको ऐसे ही लगता है सर, भेड़ चाल। इसीलिए मैं भेड़ चाल में मैं नहीं चलता हूँ। कांग्रेस, नहीं नहीं, कांग्रेस के नेता को भी ये लग रहा था। दो पार्ट होते हैं किसी क्राइम में, क्राइम हो गया, नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दुखद चीजें होती हैं। सेकेंड रोल, जैसे ही अगर कोई एक दुखदायी घटना हो जाए, शासन प्रशासन का होता है। इसके पहले तो शासन प्रशासन आंख मूंद के सोया रहता था, अब कम से कम शासन प्रशासन तुरंत एक्शन तो हो रहा है। एक शासन प्रशासन का मुखिया आ करके कुछ बोल तो रहा है। अच्छा, सामने से लीड तो कर रहा है। पुलिस वाले गुंडे बन जाए, आप उसे जायज मान रहे? कोई अपने आप को गुंडा डिक्लेयर करके तो दिखाए आज की डेट में यूपी में। माई का लाल हो तो बोले कि मैं गुंडा हूँ। यूपी ने अपने आप को गुंडा खोल के तो दिखाए। तख्ती डाल के घूमेगा, थाने पहुंचेगा। जो अपने आप को गुंडा डिक्लेयर करेगा, तख्ती डाल के थाने पहुंचेगा कि साहब हमें अंदर कर दो। अच्छा, तो इससे 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 मनोबल बढ़ेगा, ऐसी घटनाओं से मनोबल बढ़ता है ना एके मिश्रा? क्योंकि मैं संदीप द्विवेदी पूरा टाइम दूंगा आपको। एक सेकंड, नहीं नहीं, किसका मनोबल? किसका? पुलिस का। आप कह रहे हैं मनोबल बढ़ता है? इस तरह के शासन और प्रशासन से साधु लोगों का, सज्जन पुरुषों का मनोबल बढ़ता है। जो देशद्रोही बैठे हैं, गुंडा तक तो डिबेट में भी बैठे रहते हैं, जिनको अकल नहीं होती है। अच्छा, तो आप सर्टिफिकेट देंगे? एके मिश्रा, आप सर्टिफिकेट देंगे? अभिषेक वाजपेयी को आप सर्टिफिकेट देंगे? सर्टिफिकेट नहीं, नहीं तो आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? देने वाला नहीं हूँ मैं, सर्टिफिकेट देने वाला नहीं, ना देता हूँ ना लेता हूँ। मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, सुन लीजिए एक बार, अभिषेक वाजपेयी की सुनिए, फिर मैं संदीप द्विवेदी आपको पूरा टाइम दूंगा। जो अपने आप को गुंडा सिद्ध करना चाहते हो, जो अपने आप को गुंडा सिद्ध करना चाहते हो, चैनल में, मैदान में आके करे, बोले कि हम अरे भाई, चैनल से, अखबार से, जमीन पे आके, शहर में, गांव में आके अपने आप को गुंडा सिद्ध करिए। है हिम्मत तो गुंडा सिद्ध करिए। अरे आप ही सिद्ध करो, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम नहीं सिद्ध करेंगे भाई, गुंडेगर्दी की बात आप कर रहे हो। आप सिद्ध, हम नहीं दे रहे सर्टिफिकेट। आपको सुनाई कम देता है तो कान में मशीन लगा के आइए। हमने पहले बोल दिया ना मैं सर्टिफिकेट देता हूँ ना लेता हूँ। पानी पीजिए, ठंडे हो जाइए थोड़ा। मैं देता हूँ ना, एके मिश्रा जी, पानी पिलाने के लिए आए हैं सर। हम पानी पीते नहीं है, पानी पिलाते हैं। एक सेकंड, मुझे पता आप ब्राह्मण व्यक्ति हैं। एक सेकंड, क्षमा करिए। एक सेकंड, वाजपेयी जी भी ब्राह्मण हैं, आप भी, आज सभी ब्राह्मण एक साथ बैठे हुए हैं। भैया मुझे श्राप मत दे देना। एक सेकंड, अभिषेक वाजपेयी, ब्राह्मण की परिभाषा कुछ और है महाराज। एक सेकंड, जल्दी से अपनी बात रखिए अभिषेक वाजपेयी, फिर मैं संदीप द्विवेदी को पूरा टाइम दूंगा और कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए तिलक जी, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई साहब मिश्रा जी बोल रहे थे, 114 विधायक लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। नंबर एक बात, इनके यहाँ के खुद ही विधायक कहते हैं साहब मुझे बचा लीजिए, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो और कौन सी बात कहना चाहते हैं मिश्रा जी? मैं इसी चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, पुलिस वाला हो, नागरिक हो, बिजनेसमैन हो, जो गुंडाई करेगा वो यही बोलेगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, कह लो आप ही। एक सेकंड मिश्रा जी, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, आप बात तो रखने दीजिए। आप सभी को पैनल में गुंडा साबित करके जा रहे हैं, आप उनको बात ही नहीं रखने दे रहे भैया। गुंडे ही दिखा रहे हैं, खुद साबित कर रहे हैं हम गुंडा हैं। अच्छा
अच्छा, आप ही सबको जो है, आप ही जज है, आप ही वकील है, आप ही पैरवी करेंगे, आप ही एफआईआर दर्ज करेंगे और आप ही मुकदमे की सुनवाई करके कहेंगे कि यही गुंडे। अरे जबरदस्ती आप हमें जज कलेक्टर सब बना रहे हो। नहीं नहीं, एक सेकंड मिश्रा जी, नहीं एक सेकंड, हमने तो बोला अब मैंने आपको एक सेकंड देते हैं ना लेते हैं। नहीं एक सेकंड, ठीक है, अब आप मैं प्लीज बैक फायरिंग मत करिए के लिए, ठीक है, बोलिए नहीं नहीं नहीं, आप बैक फायरिंग मत करिएगा प्लीज, कवरिंग फायरिंग मत दीजिएगा आप, एक सेकंड, अब मेरे को कुछ सवाल को जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था संदीप द्विवेदी जी कि यूपी में क्या पुलिस वाकई में बेलगाम हो चुकी है? इसके कुछ उदाहरण हैं, लखनऊ में विवेक तिवारी, आगरा में अरुण वाल्मीकि कस्टडी में ही मौत, गोरखपुर में मनीष गुप्ता का मामला जिस पे काफ़ी फजीहत हुई, कासगंज में अब एक और मामला आया अल्ताफ का, सुल्तानपुर में राजेश की मौत। कुल मिलाकर तीन साल में 23 अंडर कस्टडी मौत हुई। देखिए कुछ अंडर कस्टडी डेथ ऐसी भी थी जिसमें विकास दुबे भी थे जिनकी दुर्घटना में लाते समय डेथ हुई थी। नहीं वो गाड़ी पलटने वाली बात नहीं कर रहा, वो भी अंडर कस्टडी थे, आपसे वो अंडर कस्टडी नहीं थे। उनका भी नाम होगा, ये सारे मनीष गुप्ता गुनेगार था। देखिए दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि अरुण वाल्मीकि जो था वो गुनेगार था, देखिए इसलिए पुलिस कस्टडी में मौत हुई तो जायज है। देखिए दूसरी चीज, संदीप द्विवेदी को लीजिए इस मुद्दे पे, आप दो तीन तथ्यों को मुझे लगता है आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले संदीप, पहले अल्ताफ के पिता का बयान सबने देखा कि अल्ताफ के पिता ने कहा, दूसरी चीज मेडिकल रिपोर्ट जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कहीं भी किसी भी तरह का मारपीट का निशान नहीं है और उसकी जो डेथ हुई है वो दम घुटने से हुई है। तीसरी चीज एसपी का बयान जो आपने अभी दिखाया था उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब हॉस्पिटल ले आया गया, ले जाया गया, 5-6 मिनट ट्रीटमेंट के बाद फिर उसकी डेथ हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसा पहला ऐसा हत्यारा होगा नहीं जो हत्या के इरादे से फांसी लगा के और हॉस्पिटल उसको लेके जाए। ये हर स्क्रिप्ट में होता है कि हम उपचार के लिए लेकर गए और उसकी मौत हो गई। नहीं तो क्या पिता भी उस स्क्रिप्ट में शामिल थे? क्या अल्ताफ के पिता भी उस स्क्रिप्ट में शामिल थे? पुलिस बेलगाम, क्या वो भी स्क्रिप्ट में थे? 3 साल में 23 कस्टडी में पुलिस कस्टडी में मौत। देखिए मैं फिर वही चीज कहूंगा कि मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी कि हम किसी निर्णय पर पहुंचे। कहीं ना कहीं सरकार ने एक्शन लिया है, जो दोषी हो सकते हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, वो चाहे अल्ताफ की हत्या की बात हो या अल्ताफ के आत्महत्या कर लेने में किसी भी तरह की लापरवाही की गई हो, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और आगे कमेटी जांच करेगी और उसमें जो निर्णय आएगा उसमें सरकार एक्शन लेगी। अच्छा, सरकार वो, ये वो सरकार नहीं है जो जो सिख दंगों के आरोपी को मध्य प्रदेश में सीएम बना के बिठा दे, ये वो सरकार नहीं है जो बलात्कार के आरोपी को अपने घर में। फिर वो कौन सी सरकार है जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगे और वो गृह मंत्री के साथ मंच साझा करे, ये वो सरकार है? आप ये समझा रहे हैं? देखिए एक सेकंड, यूपी में सरकार जब अखिलेश जी की सरकार थी कितने लोगों को फांसी दिया? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कोई केस तो है नहीं जो नया नया लगा हो। भाई अगर आरोपी थे नैतिकता का तकाजा है ना? ओके, ये सिर्फ आरोप आप, हाँ संदीप द्विवेदी, नैतिकता का तकाजा है, मैं समझ रहा हूं, नैतिकता का तकाजा है बलात्कार के लगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनको बलात्कार कहने लगे। एक सेकंड, हाँ तो मैंने कब कहा एफआईआर के नाम पर है? आरोप ही है ना? राहुल गांधी बलात्कारी हो जाते तो आप कह सकते हैं बलात्कारी थे? आप अपने कार्यकर्ता को पुलिस बना दीजिए, राहुल गांधी को बलात्कारी तो नहीं कहेंगे ना? आप अपने कार्यकर्ता को पुलिस बना दीजिए फिर, इसका मतलब तो देखिए जब आप ही सब कुछ तय करेंगे तो आपके कार्यकर्ता पुलिस बन जाएंगे। हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि कार्यकर्ता को पुलिस बनने की जरूरत नहीं है, अपराधी पुलिस से ही इतने डर जाते हैं कि कार्यकर्ताओं को उसमें एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो रही होंगी सपा और कांग्रेस की सरकारें जहां खुद उनका कार्यकर्ता गुंडा बनकर लूटपाट करता है और इस बात के कई बार सबूत भी आए। तमाम सवाल है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, आप नाराज क्यों हो गए? मैंने तो नाराज होने वाली कोई राज्य मंत्री का जिक्र किया। देखिए यहाँ ना मैं जज हूँ ना आप जज हैं, मैं वही कह रहा हूँ, एक निर्णायक रूप में हो वो भी अपनी बात कर रहे हैं। आप किसी को लगता है भाई किसी ने अगर सही बात कह दी तो वो भाजपा का नेता होगा तो भाई उनका इस डिबेट में मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि वो कांग्रेस के नेता। इस डिबेट में जज जनता ही है, जनता है, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है और जनता के ही सवाल उठा रहा हूं। और जनता आने वाले इलेक्शन में अभिषेक वाजपेयी कौन सत्य है और कौन गलत? अभिषेक वाजपेयी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद संदीप द्विवेदी एक और महत्वपूर्ण सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में आप इस तरीके से समझ सकते हैं तिलक जी कि आज लोग इतना निर्भीक हो चुके हैं कि सचिवालय में भी आज की घटना आप देखिए कि सचिवालय में कैसे एक अधिकारी ने जो संविदा पे महिला थी उसके साथ छेड़छाड़ की, वो तो महिला की दिलेरी थी, उसने एक वीडियो बना करके एफआईआर दर्ज कराई, तब उसके ऊपर शायद कार्रवाई हो जाए, हो सकता है कि आगे में वो बच भी जाए। नंबर एक पर ये मैंने उदाहरण दिया कि कैसे लोग निर्भीक हो चुके हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं
कि कैसे ही जैसा अभी आपने कहा उच्चतम न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कैसे कासगंज के व्यक्ति को वहां पे लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में जब आपने जिक्र किया तो कैसे किसकी राइफल से गोली चली ये भी पूरा स्पष्ट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो हमेशा से अपराधियों को बचाते चले आए हैं और अपराधियों की शरणस्थली रहे हैं, वरना शायद ये ना कहते कि ऐसा हुआ। शायद आपको लखीमपुर की एक घटना और याद दिला दूं कि जब महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी हुई थी तो इन्हीं के विधायक ने बाकायदा थाने पर हमला करके अपने बेटे को छुड़ा लगे थे उसके साथ ही। तो ये कैसा प्रजा कैसे रामराज्य लाना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि महिला रात में 12 बजे भी सड़क स्कूटी से घूम सकती है, तो जहां पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है उनका कत्लेआम हो रहा है इज्जत लूटी जा रही है तो रामराज्य ऐसा इनको मुबारक हो शायद उत्तर प्रदेश की जनता। अच्छा तो रामराज्य जानना चाह रहे हैं जहां केबल में छेड़छाड़ करके जज बनाए जाते थे, याद होगा आपके एक नेता का किस तरीके से आरोप लगे थे, या उस तरह का रामराज लाना चाह रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर आरोप दो दो बार लग चुके हैं, या उस तरह का रामराज लाना चाह रहे हैं जहां राजमाता और उनके दामाद खड़ा होते हैं। अरे कौन से रामराज की बात कर रहे हैं, 70 साल में आपने कितना समाज सुधार दिया था, आप भी सरकार में रहे सबसे ज्यादा आरोप में अगर घिरी है तो कांग्रेस घिरी है, पूरा आपका शाही परिवार आरोपों में घिरा रहा है। एक सेकंड अभिषेक वाजपेयी यानी आप ये कह रहे हैं अरविंद कठेरिया भी मेरे साथ जुड़ गए लेकिन अभिषेक वाजपेयी मुझे एक बात बताओ सपा के नेता भी जुड़ गए, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले का जो योगी राज से पहले का जो राज था उसमें राम राज्य था। मैंने ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा, पहले तो इससे भी ज्यादा घटनाएं होती थी और योगी जी के राज में तो कोई सीमा ही नहीं रही, लोगों ने सीमाएं तोड़ दी हैं, तो आप समझ सकते हैं। सुना आपने अरविंद कठेरिया क्या कह रहे हैं? जी समझ रहा हूँ। सुन रहे हैं आप तिलक जी? बड़ा दुखद है आज का समाचार, जो भी समाचार है, अल्ताफ की मौत हृदय विदारक है। सबसे पहले मैं उसके परिवार के लिए दुआ करूंगा कि शांति मिले और उसे उचित मुआवजा मिले। हमारे आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने चेक देने नहीं गए क्या अरविंद कठेरिया जी? हेलो, मनीष गुप्ता के यहाँ तो चेक देने गए थे, चेक देने नहीं गए क्या मरहम मुआवजे का? बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जब से आपका ये कोरोना वायरस चला है तब से अभी तक जिन लोगों को समस्याएं हुई हैं मनीष गुप्ता के यहाँ भाग और जहां गुप्ता की मौत के बाद भागे थे ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने दौड़ लगाई थी ना गोरखपुर में, आप यहाँ क्यों नहीं जा रहे, परिवार को मदद यहाँ मदद क्यों नहीं दे रहे, और अल्ताफ के साथ गलत हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो पुलिस वाले दोषी हैं उनको उचित सजा मिले और पीड़ित परिवार को मदद मिलनी चाहिए, और हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो सहायता राशि होगी जो पार्टी निश्चय करेगी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय निश्चित करेगा निश्चित मदद परिवार की मदद की जानी चाहिए और की जाएगी। लेकिन संदीप त्रिवेदी कह रहे हैं जांच तो उन्हें दीजिए, उससे पहले क्लीन चिट आप क्यों दे रहे हैं, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, हम देखिए जब किसी थाने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जब किसी थाने में कोई व्यक्ति सुसाइड करता है या उसका परिवार आरोप लगाता है कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है न्यायिक जांच होना चाहिए, मिनिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, किसी रिटायर्ड जज के द्वारा जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हो चाहे कोई इनमिटी रहा हो या ओके संदीप त्रिवेदी ठीक रिएक्शन फिर उसके बाद एक मिश्रा आपके पास मिलनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी वाले लोग अभी कहां से चेक देने जाएंगे, अभी तो गायत्री प्रजापति जो आरोपी थे अभी तो उसी का ये शोक मना रहे होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी इन्हें अपने आवास में छिपाते थे। दूसरी भी देखो अल्ताफ के केस में मैं स्पष्ट कह चुका हूँ कि अगर कोई आरोप तो देखिए एक तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा है और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की, लापरवाही नहीं है। देखिए अब ऐसे मामलों में हत्या का मामला भी दर्ज होता है, नहीं देखिए तो मामला दर्ज होगा अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनको सजा दी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी सजा लेना, सपा सरकार में तो लोग FIR दर्ज नहीं करा पाते थे, सपा के नेता जो चाहते थे वो होता था, अपराधी इतना ज्यादा अपराध था कि जिनके साथ पीड़ितों के साथ दुर्घटनाएं होती थी उनकी हिम्मत घर से निकल जाए, पत्रकारों को खुलेआम दिया गया, बताइए कितनों के FIR हो गए, आज कम से कम उत्तर प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड टूटा है, लगाम तो लगा रही है आज कम से कम जनता जनता का भरोसा झूठ गया।
मैं एक बात, अरे कम से कम परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, फिलहाल तो समझे न्यायिक जांच की घोषणा की जाए और फिलहाल जो दोषी है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। अरे किसी थाने में किसी का लटक जाना वही सरकार। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि एक शख्स जिसकी संदिग्ध है, एक सेकंड जिस मिस्ट्री का मैं जिक्र कर रहा हूँ, शौचालय में उस जाता है, उसके बाद शौचालय में जाकर उसकी मौत हो जाती है जो जिक्र किया जा रहा है, फांसी लगाई, मौत उस वक्त नहीं हुई जो जिक्र किया जा रहा है, मौत बाद में उपचार के दौरान, लेकिन किसी को आवाज ही नहीं आई, कोई छटपटाहट नहीं हुई, किसी को मालूम ही नहीं चला कि आरोपी अंदर जो है खुद को फांसी लगा रहा है, और वो भी 2 फीट के नलके के ऊपर, वो भी प्लास्टिक के नलके के ऊपर, और वो भी उस डोरी से जो जैकेट में बंधी हुई है, आपको हैरानी नहीं हो रही? एके मिश्रा जी, देखिए जिस हिसाब से ये सब बातें हो रही हैं डेफिनेटली हैरानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। मैंने आपको बताया दोषी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, घटना के बाद किसी भी सरकार को, और ये एक अच्छी चीज है जो मुझे लगती है, इसीलिए मैंने एक रेफरेंस दिया था। मुझे लगता है इसमें भी सरकार बहुत तेजी से कुछ न कुछ, अगर इस जांच से, इस थ्योरी से लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो और भी लेवल होते हैं, और भी एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन उसमें लिए जाते हैं और कई बार जांच की जाती है, कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हमें लगता है कि हम कोई बहुत इन सब मामलों के, हम स्पेशली मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं क्राइम वगैरह का, एक जनरल ये है कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि नेक्स्ट लेवल की जो और एक्सपर्ट जांच है, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट लेवल पे गवर्नमेंट जाएगी, और उसके लिए प्रेशर सबको बना के रखना चाहिए। ओके ओके, अभिषेक वाजपेयी क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद संदीप द्विवेदी आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक वाजपेयी, एके मिश्रा कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो इंतजार करिए, जांच तो होने दीजिए, आप भी तो एक्सपर्ट नहीं है ना। देखिए हम देखिए बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। कल हमारा प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था, और आप ये समझ लीजिए कि वहां पे पुलिस वालों ने पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दिया। हमारे राष्ट्रीय सचिव गए थे और बाकी महिला नेत्री वगैरह गई थी, तो हमारा जो 12 से 14 लोगों का डेलीगेट था वो मिलने के लिए गया था, पुलिस वालों ने मिलने तक नहीं दिया कि हम पीड़ितों की बात समझ सके या बात सुन सके उनकी, आखिर और क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं इस चीज में है कि असलियत बाहर ना आने पाए। नहीं, आप हर मामले में कहते हैं असलियत। अभी संदीप द्विवेदी कह रहे हैं कोई ऐसा मामला बताइए जिसमें सरकार ने एक्शन बना लिया हो, आप कह रहे हैं हर मामले में पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। एक बात बताइए, उस सरकार से क्या वो आपके ने पुरानी कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया कि जो व्यक्ति किसानों के हत्या में शामिल था, अगर उसके ऊपर दोष भी लगा तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था, और वह सरकार के साथ मंच साझा करता है, तो आप समझ सकते हैं उससे न्याय की 1984 में सिख दंगों में कितने इस्तीफा दिया था। देखे जिसके बेटे के खुद के राइफल से गोली चली हो, जिसके ऊपर आरोप लगे थे, मैं नाम लू क्या, किसका नाम लू, सज्जन कुमार का, जगदीश टाइटलर का, किसका नाम लू, कमलनाथ का, आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? देखिए मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना, नैतिकता कहाँ है आपकी बात पे भी, नैतिकता कहाँ है? अगर यहाँ नहीं है तो वहां भी तो नहीं थी, आपने कौन सा नैतिकता का तकाजा किया? 1984 में 2760 सिखों को मारकर कत्लेआम कर दिया आपने दिल्ली में, हुआ था कि नहीं हुआ था? अभिषेक वाजपेयी, मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। देखिए तिलक जी, हम सर्टिफिकेट नहीं बांटते हैं, जाकर के जम्मू में जब कश्मीरी पंडितों की हत्या करवा दी गई, उस समय राज्यपाल कौन था? कांग्रेस पार्टी के ऊपर दोष मोड़ दिया गया था, राज्यपाल कौन था, किसकी सरकार थी वहां पे? भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार थी। ठीक, मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा भटक रहा है, मुद्दे पे आ रहे हैं। ना, एक सेकंड, सरकार ने कार्रवाई की, ये बात संदीप द्विवेदी कह रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको अरविंद कठेरिया साहब? तिलक जी, 6 महीने या लगभग पिछले साल मार्च में जो लगातार दिल्ली में दंगे चले, ठीक ना,
जहां पर गृह मंत्री उपस्थित थे, हमारे प्रधानमंत्री जी थी और बहुत सारे फोर्सेस होते हैं दिल्ली के अंदर में, और लगातार हत्याएं होती रही, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो चाहे हिंदू समाज के लोग हो। लेकिन ऐसी राजधानी में इतने बड़े स्तर पर दंगा हो जाना बेहद दुखद और निंदनीय है। आप उसका भी जिक्र करें। देखिए, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी अपराध होता है, तत्काल प्रभाव से सरकार को वहाँ लोगों को बर्खास्त करे, उचित मुआवजा की उसको परिवार को उचित मुआवजा दे, जांच बताए। और सबसे बड़ा दुखद है कि जहाँ मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, समाज के लोग आते हैं, वहाँ यह सरकार पक्षपात करती है। अगर पक्षपात कौन करता है वो पूरा देश जानता है, और इसीलिए देश की जनता आपको सबक सिखाती है। आप पक्षपात की बात करते हैं, गायत्री प्रजापति जो आज आरोपी सिद्ध हो गया उसको आप अपने घर में छिपाते थे। आप जनता की थी सबसे ज्यादा प्रदेश सरकार को संरक्षण देने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार, और आज दर्द इसी बात का है कि सबके सब जेल के पीछे हैं। रेलवे इतनी कमजोर है। अच्छा, एक सेकंड आप ये कह रहे हैं, ओके आप सबका ऑर्डर नीचे, एक सेकंड अरविंद कठेरिया साहब, एक सेकंड मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ संदीप तिवारी से, आपके काम आएंगे अरविंद कठेरिया, आपके काम आएंगे, सवाल लिख लीजिए, आपके काम आएंगे दूसरी जगह, आप लिख लीजिए सवाल कुछ। जी जी लिख लीजिए। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल में 23 अंडर कस्टडी, अगर पुलिस की अंडर कस्टडी में मौत हो जाती है तो ये आप अपनी उपलब्धि मानते हैं संदीप द्विवेदी, कुल मिलाकर ये? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि ये उपलब्धि बिल्कुल नहीं है, और सरकार ने कहीं ना कहीं इस पे त्वरित कार्रवाई भी की है। आप मुझे एक बात, ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को मुद्दे पे आ रहा हूं, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, एक सेकंड मानवाधिकार हनन के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जानते हैं ये उपलब्धि आपकी? नहीं, देखिए, ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ आपको नहीं मालूम मैं कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं? मैं इस चीज़ ये को आप बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखिए, मानवाधिकार के हनन के मामलों में नंबर 1 है उत्तर। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, नहीं कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं बताइए, क्या मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट थी, इंटरनेशनल? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा चलिए, ठीक है ओके, अब मुझे एक बात बताइए, मानवाधिकारियों के, अच्छा ऐसे ऐसे मामलों में करिए तो राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब, जी मानवाधिकार के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है, ओके संदीप द्विवेदी ये कह रहे हैं, ओके अब मुझे एक बात बताइए, 2020-21 में 8 मौत, 2018-19 में 12 मौत, 2019 में और 20 में 3 मौत, कुल मिलाकर 3 साल में 23 लोगों की मौत, ऐसे मामले से क्या सरकार की फजीहत होती है या फिर नहीं? कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चिंता का सबब है, कुछ घटनाएं ऐसी थी जो नेचुरल थी, जैसे विकास दुबे का काम है या कुछ घटनाओं में नेचुरल, देखिए क्या विकास दुबे नेचुरल थी, क्या विकास दुबे की मौत नेचुरल थी, और इस घटना में भी जब तक साबित नहीं हो जाता मैं इस चीज को एग्री नहीं करूंगा। देखिए, लापरवाही पुलिस वालों से हुई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप उसको उनको हत्यारे इतना जल्द नहीं ठहरा। नहीं नहीं, मैंने किसी को हत्यारे, जब आप कह रहे हैं कि विकास दुबे की मौत नेचुरल थी तो हो सकता है कि वो नेचुरल मौत हुई हो। ओके, अब मैं आ रहा हूं अगले सवाल पर, क्या उत्तर प्रदेश के भीतर चुनावी माहौल में ऐसे मामले कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो आपके लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं? यस और नो? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में या एक दिन की खबर होती है, पब्लिक भूल जाती है, भूल गई। उत्तर प्रदेश में ऐसे मुद्दे कानून व्यवस्था के ऊपर बिल्कुल सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक दलों की मंशा के ऊपर खड़े कर रहे हैं। अच्छा, जो कहीं ना कहीं लाशों की भी जाति और धर्म देख के राजनीति करने के लिए पुलिसिया तंत्र नहीं बनता, आपको लगता कि आपने पुलिसिया राज्य बना दिया पूरी तरह? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस ने अगर कुछ पुलिस के लोगों ने गलतियां की है तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। आपको लग रहा है छुट आप उसके लिए पूरे महकमे को दोषी नहीं ठहरा सकते? पूरे महकमे की बात ही, देखिए यहाँ महाराष्ट्र की तरह सौकरों का टारगेट नहीं दिया गया, बड़ा सा राज्य नहीं, क्या यहाँ पुलिस को महाराष्ट्र की तरह सौकरों का टारगेट दिया गया है? देखिए, पुलिस कहीं ना कहीं अपना काम ईमानदारी से कर रही है, अगर कुछ लोगों ने गलतियां की है तो उनको अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सजा दी जाएगी उन्हें। यहाँ देखिए, यहाँ अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि भाजपा का विधायक कहता है मैं सुरक्षित नहीं हूँ, दूसरी तरफ खुद कांग्रेस एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना के बिठा देती है। मैं तो कम से कम ये पार्टी पक्षपात तो नहीं करती? संदीप द्विवेदी, लड़ना नहीं है, मैं तो वो सवाल पूछ रहा हूँ, जो पूछे नहीं जा रहे आप लोगों से। बहुत अच्छे से आप अपनी बात को रख लें। एक बात और, मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूँ कि इस पूरे मामले में एक और उदाहरण सामने आया। क्या उदाहरण सामने आया कि 2 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, 2 मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा था।
कुछ मामलों पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान बकायदा रिपोर्ट तक मांगी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर थाने में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? अधिकांश स्थानों में सीसीटीवी लग चुके हैं, अब आप अच्छा, अधिकांश स्थानों में सीसीटीवी होना चाहिए तो मुझे लगता है ना, ना ना ना, ये यही तो पहलू है। अगर सीसीटीवी होता तो इस पूरे मामले का एक मिनट में पटाक्षेप हो जाता तो क्या बात कि वो गया तो किसके साथ गया, वो गया तो आखिरकार उसके साथ कोई था या नहीं था, वो गया तो अंदर क्या अकेले गया था बाथरूम में, या कोई साथ था, या कोई बाहर खड़ा था और किसी को मालूम चला या नहीं चला, या वाकई में उसको अंदर जाके लटकाया गया, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी की जरूरत ही नहीं है? देखिए ये सब साथ से जो है वो कहीं ना कहीं जो कमेटी जांच करेगी वो इन पहलुओं पे सोचेगी और निर्णय लेगी उनके साथ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इस पे इतना जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना कि नहीं पुलिस आरोपी है या उसके पिता के बयानबाजी गलत है, कोर्ट की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों पर कब कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा भी उनसे मांगा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले डेढ़ साल में हरियाणा तेलंगाना पे एक पैसा भी इस पर खर्च नहीं हुआ, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इस पूरे मामले को लेकर दिलचस्पी ली। और ये मसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, और ऐसे में कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है, हमें बजट में दिलचस्पी नहीं है। कोर्ट आपको कहता है कि तमाम थानों में सीसीटीवी लगने चाहिए, मैं मार्च का जिक्र कर रहा हूं 2021 का, आप लोगों ने क्या किया इस पूरे मसले को लेकर, यह सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? नहीं देखिए महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब और बंगाल जैसे भी स्टेट है, क्या उन्होंने सीसीटीवी लगा दिए सब जगह? अच्छा, देखिए आप किसी एक राज्य सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, देखिए सरकार की एक अपनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट का एक अपना सिस्टम होता है, कोर्ट को ऑर्डर देना है, लेकिन लेकिन सरकार को पूरा एक सिस्टम इंप्लीमेंट करना है और इंप्लीमेंटेशन में हमेशा समय लगता है। नहीं मैं तो पहलुओं की बात कर रहा हूं, पहलुओं पर सवाल खड़े होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा सीसीटीवी लगने चाहिए तो सीसीटीवी क्यों नहीं लगे थानों में? नहीं तो क्या राज्य सरकारों ने ये कह दिया कि हम सीसीटीवी नहीं लगाएंगे? तो राज्य सरकारों ने क्या क्या नहीं क्या तो या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक दिन के अंदर लगाने चाहिए? डांट खाने की आदत है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोर्ट कुछ कह रहा है कि उसके लिए सिर्फ हमें डांट खा के आ जाना है, उस पर इंप्लीमेंट नहीं करना? देखिए आप ये कह रहे हैं, देखिए कोर्ट के अपने कुछ मायने होते हैं और कहीं ना कहीं सरकारों की कुछ अपनी मानसिकता होती है, आपकी नहीं है। नहीं कई मामलों में कोर्ट बैक फुट पर चला जाता है, राम मंदिर के मुद्दे पर इतना कोर्ट के ऊपर लोगों ने हर सवाल का जवाब राम मंदिर नहीं, नहीं, नहीं आप बताइए राम मंदिर का जवाब नहीं, तो सिद्धू का केस ले लीजिए, एक केस नहीं हाई कोर्ट सिद्धू को नहीं लोअर कोर्ट सिद्धू को दोषी ठहराता है, हाई कोर्ट उनको क्लीन चिट दे देता है, आप सलमान खान का केस ले लीजिए, लोकल कोर्ट आरोपी ठहराता है, हाई कोर्ट उन्हें क्लीन चिट दे देता है। ओके ओके आप तिलक भाई मुझे लगता है, एक मैंने आपको पूरा मौका दिया, बोलिए अभिषेक वाजपेयी। तिलक भाई मैं अपने भाजपा के मित्र को एक बात ध्यान दिला दूं कि कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि आजमगढ़ की एक घटना थी जो एक व्यक्ति गया था। अरे सुन तो ले, अच्छा नहीं पूछता सीसीटीवी वाला सवाल, नाराज मत हो, ओके मत लगाओ, आपकी मर्जी मत लगाओ, कोर्ट कह रहा मत लगाओ, तो हाँ तो आप कह रहे ना कि दिल्ली में सरकार, अभिषेक वाजपेयी प्लीज प्लीज जल्दी से, वक्त ज्यादा नहीं मेरा, सात साल आठ साल सरकार, एक सेकंड फाइनल कमेंट अभिषेक वाजपेयी प्लीज। देखिए देखिए तिलक भाई कि कुछ दिन पहले की आपको आजमगढ़ की घटना याद होगी जहां पे एक व्यक्ति अपनी 10 साल की बहन के लिए न्याय मांगने के लिए गया था तो एसपी ने सबके सामने उसको थप्पड़ मार दिया था और भगा दिया था, आज तक उस एसपी के ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं। आजमगढ़ की बहुत घटनाएं हैं, नंबर अरविंद कठेरिया को मत याद दिला, मैं उधर देखिए मैं ध्यान दिला रहा हूँ आपको तिलक जी, अपने मित्र को ध्यान दिला रहा हूँ। दूसरी चीज तिलक जी, दूसरी चीज इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए, एक सिटिंग एक एसआईटी ऐसी बननी चाहिए जो पुलिस के फेवर में काम ना करे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि उसने वॉशरूम में जाकर, सॉरी वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर चला गया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सवाल है जिसके जवाब जानना बहुत जरूरी है और उम्मीद करेंगे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो क्योंकि ये सवाल जनता का है। बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, कठेरिया साहब आपका और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।